हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओलाप सर्वर्स। ओलाप सर्वर हमारे चार पार्ट में डिवाइडेड है, रोलाप, मोलाप एंड होलाप। और जो अदर्स में है वो WOLAP, DOLAP, MOLAP एंड SOLAP। आप बोलोगे यहाँ पे भी मोलाप है और यहाँ पे भी मोलाप है, ये दोनों डिफरेंट है। आप जब आगे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज हम इस वीडियो में रोलाप ही कवर करेंगे। रोलैप बेसिकली क्या होता है? रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन डेटा वेयर हाउस होता है वहां पे आपका डेटा स्टोर्ड होता है और वहीं से जो क्वेरीज होती हैं वो फेच्ड होती हैं। ये आपका रिलेशनल ये और एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है। यहाँ पे जो भी डेटा वेयर हाउस में डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए और डेटा को सेव करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, डेटा जो एक्सेस होता है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस से एक्सेस होगा, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस से वो एक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे आपकी SQL क्वेरीज जनरेट होंगी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए जब यूजर उसकी डिमांड करेगा। ये आपका यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है, सॉरी इसका फिगर है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये क्लाइंट बैठा हुआ है, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस है, यहाँ पे आपका रोलैप इंजन है और यहाँ पे RDBMS सर्वर है। यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा रोलैप इंजन से और यहाँ पे जो उसकी कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी है, रोलैप इंजन क्या करेगा, यूजर रिक्वेस्ट को SQL क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा और RDBMS सर्वर को दे देगा। RDBMS उसका आंसर देगा डेटा की फॉर्म में रोलैप इंजन को, और जो रोलैप इंजन है वो फिर उसको मल्टी डायमेंशनल व्यू क्रिएट कर देगा। वो कैसे क्रिएट करेगा, वो डेटा को छोटे छोटे क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वो क्लाइंट को दे देगा। अब बात आती है इसकी एडवांटेज की। एडवांटेज में क्या होता है, जो रोलैप है वो बहुत ज्यादा डेटा ले लेता है, मतलब लार्ज स्केल डेटा ले लेता है, डेटा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ पे जो डेटा है वो बहुत ज्यादा फास्ट लोड होता है और जो RDBMS है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको क्वेरीज में काम करते हैं, यूजर की क्वेरीज में काम करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है तो वो परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है, या आप ये कह सकते हो जब बहुत सारा डेटा उसके पास होगा, अनलिमिटेड डेटा होता है कि वो डेटा को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है रोलैप की वो स्लो हो जाती है। और ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाता, ये सॉल्व नहीं कर पाता। यहाँ पे क्या होता है, रोलैप में आपको एक्सपीरियंस्ड पीपल्स चाहिए होते हैं क्योंकि उसमें SQL क्वेरीज लगती हैं। और ये हमारा क्या है, स्लोअर एक्सेस ऑफ डेटा है। स्लोअर एक्सेस मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कि बताया कि बहुत सारा डेटा है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, ये डेटा का एक्सेसमेंट है, जब यूजर बहुत सारे डेटा उसमें लोड करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो रोलैप इंजन है वो भी डेटा को क्या करेगा, स्लोअर एक्सेस कर लेगा, उसे जो उसका टाइम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही हमारा रोलैप है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।